आज के इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमारे बीच उपस्थित अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष अविचल देवाचार्य जी महाराज, महामंत्री स्वामी जितेंद्रनंद जी सरस्वती जी महाराज, निर्मल पीठाधीश्वर श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, रामानंदाचार्य स्वामी राम राजेश्वराचार्य जी महाराज, भानपुरा पीठाधीश्वर ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज, ज्ञानेश्वर देवाचार्य जी महाराज, विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक माननीय दिनेश जी, यहाँ पर उपस्थित हमें हमेशा संतों के साथ जोड़ने वाले हमारे आचार्य तुषार भोसले जी, बहन गीता जी, और देश के विभिन्न स्थानों से यहाँ पर आए हुए इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और देश के भिन्न भिन्न भागों में हमारी सनातन संस्कृति का अलख जगाने वाले सभी अत्यंत पूजनीय संतगण और उपस्थित भाइयों, सबसे पहले मैं आप सभी का महाराष्ट्र सरकार की ओर से मुंबई में मीरा भाईंदर में उत्तर में रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप हमको आशीर्वाद देने के लिए यहां पर आए, इसलिए आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। साथ साथ इस रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी के अध्यक्ष के रूप में भी मैं आपका और विशेष रूप से अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस जगह को चुना। और इस जगह पर वैसे तो देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेकर सबके पांव लगे थे, लेकिन आज इतने सारे संतों के पांव लगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि आज ये भूमि भी धन्य है, और इसीलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, मुझे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बात करने का अवसर मिला है, कई बार मिला है, उसकी आदत भी है, लेकिन संतों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मेरे जैसा व्यक्ति क्या बोले, ये मेरे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मैं केवल आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहां पर आया हूं, लेकिन जिस बात का आपने उल्लेख किया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे सभी के लाडले प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्होंने पिछले 10 वर्षों में केवल भारत का भौतिक चित्र नहीं बदला तो भारत की मानसिकता भी बदली है। मुझे याद है, हम तो सारे सनातन समाज के, हिंदू समाज के लोग, चाहे किसी भी पार्टी में हो, मूलतः धार्मिक होते, लेकिन अन्य पार्टी के जो लोग होते थे वे अपने आप को हिंदू बताने में डरते थे, मंदिरों में जाके छुप छुप कर पूजा करते थे, कहीं किसी को पता ना चल जाए कि मैंने पूजा की है, मैंने भोलेनाथ को जल चढ़ाया है, अगर दिख गया तो मेरे चुनाव पर इसका असर हो जाएगा, ऐसा समझकर भोलेनाथ पर भी छुप छुप कर जल चढ़ाते थे। ऐसे कई नेता हमने देखे, लेकिन जब से भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं जाकर मंदिरों में श्रद्धा भाव से पूजा और समर्पण शुरू किया तो देश के सारे हिंदुओं को और अपने आप को छुप छुप कर हिंदू कहने वाले नेताओं को भी खुलकर सामने आना पड़ा, और आज देश में अपने आप को सनातनी कहने से, अपने आप को हिंदू कहने से न कोई शर्माता है, न कोई घबराता है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि फिर वो परिस्थिति आई है कि बहुत गर्व के साथ लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म के हैं। और आपने जो भी यहां बात कही कि प्रभु श्री राम जी की जन्मस्थली पर
रामलला के विग्रह का की प्राण प्रतिष्ठा एक ऐसा मौका है कि जिसने समस्त संत समाज को हर्षित किया है और सनातन के विचार के लिए संत समाज फिर एक बार मोदी जी के पीछे खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को चुनकर लाना चाहता है। मैं तो ऐसा कहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए नहीं, सनातन की जीत के लिए प्रयास कर रहे हैं और सनातन की जीत के लिए आप सबने और ईश्वर ने उपकरण के रूप में मोदी जी को चुना है, इसलिए आप मोदी जी के पीछे खड़े हो। क्योंकि अब ये बात तो सिद्ध हो गई है कि सनातन के जो मैं ऐसा मानता हूं स्वर्णिम दिवस है उनको वापस लाने का काम, हम हमेशा ये कहते थे कि भारत ये विश्व गुरु है क्योंकि भारत ने हजारों वर्षों तक दुनिया को विचार दिया है, दुनिया को आचार दिया है, दुनिया को एक प्रकार से दिव्य ज्ञान दिया है, इसलिए भारत विश्व गुरु है और हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। आज से 10-20 साल पहले जब ये बात हम कहते थे तो लोग कहते थे कि भारत की परिस्थिति ऐसी है, इस परिस्थिति में कहां से विश्व गुरु की बात आप कहते हो। लेकिन आज भारत तो छोड़ दीजिए, दुनिया ये मानती है कि जिस प्रकार से भारत की प्रगति हो रही है, चाहे वो भौतिक प्रगति हो, चाहे आध्यात्मिक प्रगति हो, चाहे हमारा सनातन विचार हो, अब दुनिया मानती है कि आने वाले 15-20 सालों में भारत विश्व गुरु का काम करेगा। आज भी हम लोगों ने देखा G20 में सारे अफ्रीका के देशों ने प्रधानमंत्री जी को ये कहा कि हमारी बात अगर कोई विश्व के सामने रख सकता है तो आप रख सकते हो, इसलिए हमने सबने मिलकर आपको नेता के रूप में चुना है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि केवल ये प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं चुना तो भारत के शाश्वत विचार को उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आज चुना है और धीरे धीरे दुनिया भी यही करेगी, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि वो भारत को विश्व गुरु की ओर ले जाने का जो एक सिलसिला है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और हम सब लोग ये मानते हैं कि अमेरिका महाशक्ति हो सकता है, शायद अमेरिका से भी ज्यादा प्रगति करने की ताकत हम में है, लेकिन हम में और अमेरिका में एक फर्क है, वो फर्क यह है वहां की प्रगति भौतिक है, हम भौतिक प्रगति को अंतिम प्रगति नहीं मानते, हम व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति को अंतिम प्रगति मानते हैं, इसलिए पूरी दुनिया में उस प्रगति की ओर जाने की ताकत और शक्ति अगर किसी एक देश में है तो हमारे भारत देश में है। और जहां एक और भारत की राजनीतिक व्यवस्था भौतिक प्रगति को पाने की कोशिश कर सकती है, वही उसी आध्यात्मिक प्रगति तक पहुंचाने का काम हमारे पूज्य संतों ने सैकड़ों नहीं हजारों नहीं लाखों साल यहां पर किया है और उसी को आगे करना भी पड़ेगा। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि यहां बैठे हुए जो सब हमारे संतगण है उन पर इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आप सबने उस दिशा में इस बैठक में विचार भी किया है, उसकी कार्य योजना भी आप लोगों ने तैयार की है। तो मेरा विश्वास है कि जब संत यह रास्ते पर निकलते हैं और अलग जगाते हैं तो समूचा समाज खड़ा हो जाता है, और संतों ने जब परिवर्तन की बात सोची तो परिवर्तन बहुत तेजी से होता है। मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आदरणीय दिनेश जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि भारत को अगर महाशक्ति बनाना है तो दो चीजों को हमें याद रखना होगा, एक तो राष्ट्र प्रथम, ये जो भूमिका हमारी है ये भूमिका हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए सभी के मनों में राष्ट्र प्रथम का बीजारोपण करना ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, और साथ साथ किसी भी प्रकार की विषमता से दूर समाज, ऐसे समाज का निर्माण ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति में विषमता कहीं नहीं है, कभी हमने उसको देखा नहीं है, ये तो काल के प्रवाह में हमारे बीच विषमता का बीजारोपण हुआ और उसकी खामी हमने भोगी है। इसी विषमता ने हमारे सनातन विचार को एक प्रकार से
लोगों से दूर किया। इसी विषमता ने हम लोगों को हजार साल तक गुलामी के जंजीरों में अटका के रखा। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि फिर एक बार ये जो हमारा निर्मल प्रवाह है, ये प्रवाह उन्हीं सनातन विचारों को प्रतिपादित करेगा जो विचार एक विषमता मुक्त इस प्रकार के समाज की रचना करते हैं। और निश्चित रूप से वो समय भी आने वाले दिनों में हमारे संतों के माध्यम से निर्माण होगा, इस बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं है। आपने पालघर की बात कही और मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से इतनी दर्दनाक घटना हमने भी अपने इतने वर्षों के राजनीतिक प्रवास में कभी देखी नहीं। जिस प्रकार से हमारे संतों को कुचल दिया गया, मतलब इतनी बर्बरता, मैं तो कभी समझ नहीं सकता हूं कि हमारे मनुष्यों में इतनी बर्बरता आ कैसे सकती है। अरे भाई, आप किसी भी विचारों के हो सकते हो, लेकिन इतनी बर्बरता लाते कहां से हो? लेकिन उसके पीछे जो षड्यंत्र है, वैसे तो सबको पकड़ा है, लोगों को आपने जैसा कहा जो सजा है वो कड़ी से कड़ी सजा होगी, लेकिन इसके पीछे का जो षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को उजागर करने के लिए ही पुनः सत्ता में आने के तुरंत बाद हमने उसको सीबीआई को सौंप दिया है। और सीबीआई अभी कुछ निष्कर्षों तक पहुंच रही है, जल्दी पहुंच जाएगी, तो अपराधियों को तो सजा होगी ही, लेकिन जो लोग इसके पीछे षड्यंत्रकारी है उनको भी उजागर करने का काम निश्चित रूप से हम यहां पर करेंगे। एक बात आपने और बहुत अच्छी कही है कि जो हमारा स्कूली बच्चों के लिए जो पोषण आहार का विषय है, कि जिसमें लगातार संत समाज की ओर से हमें आ रहा है कि प्रोटीन के लिए आप इस प्रकार से अंडा या कोई इस प्रकार की चीजें उसमें न रखें। हमने उस संदर्भ में हमारे लोगों को, विशेष रूप से मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा है और हमारे शिक्षा मंत्री जी को भी कहा है कि आप तुरंत इसका अल्टरनेट देखिए। और हम लोगों को प्रोटीन देना तो जरूरी है, लेकिन हमारे जो शाकाहार है इसमें भी ऐसी कई चीजें हैं कि जिसमें बहुत अच्छा प्रोटीन है, तो हम प्रोटीन को उससे कैसे रिप्लेस कर पाए। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इस बात को हमने गंभीरता से लिया है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उसको गंभीरता से लिया है। इसलिए उसमें जो आवश्यक बदल है वो हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक महाराष्ट्र की बात है, तो महाराष्ट्र में जो हमारे तीर्थस्थल है, उन तीर्थस्थलों को ठीक करने का काम हम लोगों ने वहां पर आसपास, क्योंकि यहां पर ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है। महाराष्ट्र में देश में सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग भी महाराष्ट्र में, शक्तिपीठ भी अनेक यहां पर है, तो उन सभी को ठीक करने के लिए उसका मास्टर प्लान हम लोगों ने तैयार किया है। कुछ जगह का काम भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है और साथ साथ हमने अभी एक नई योजना तैयार की है कि जिस योजना में हम लोगों ने उसको, चूंकि अभी राजमाता अहिल्या देवी जी का 300वां वर्ष आने वाला है, इसी साल वो प्रारंभ होगा, और हम जानते हैं कि पूरे देश में हमारे हिंदुओं के मंदिरों का जीर्णोद्धार अगर किसी ने किया तो वो राजमाता अहिल्या देवी जी ने किया। इसलिए उनके नाम से एक योजना हमने तैयार की है, जिस योजना के तहत हम लोगों ने महाराष्ट्र में 500 तीर्थस्थल जो है अलग अलग, इनको चुना है और आने वाले 3 सालों में ये 500 तीर्थस्थलों पर हम लोग सारी व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे, ताकि उनका चेहरा, उनका हुलिया, वहां की व्यवस्थाएं ये सारी की सारी बदले। और किसी भी बड़े तीर्थस्थल पर तो लोग जाते हैं, वहां तो व्यवस्था हो जाती है, वो करने भी वाले, लेकिन हमारे हिंदू समाज में कई ऐसी जगह है जहां पर लोगों की श्रद्धा होती है, भले उसको अखिल भारतीय स्वरूप न हो, लेकिन स्थानिक स्वरूप में उसको बड़ा तीर्थस्थल माना जाता है, कई संप्रदायों के लोग वहां पर जाते हैं। ऐसे 500 तीर्थस्थलों को पूरे रूप से परिवर्तित करने के लिए इस योजना को हम लोग कार्यान्वित कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में महाराष्ट्र के जो सभी तीर्थ क्षेत्र है वो विशेष रूप से आपको सफाई की दृष्टि से, व्यवस्थाओं की दृष्टि से, आने वाले जो लोग हैं उनके सारे व्यवस्थाओं की दृष्टि से हम लोग अच्छे करेंगे और आपको वो अच्छे दिखाई पड़ेंगे। तो आपने जो सुझाव दिए हैं ये बहुत अच्छे सुझाव है और निश्चित रूप से मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से इन सुझावों को ठीक ढंग से, कारगर रूप से इसको हम लोग चरितार्थ में लाए, इस प्रकार का प्रयास निश्चित रूप से करेंगे।
मैं आज के इस मौके पर अधिक लंबा समय आपका नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि ये बैठक यहाँ पर हो रही है और मेरा विश्वास है एक ऐसी बेला में ये बैठक हो रही है जब हम एक संक्रमण की अवस्था से गुजर रहे हैं लेकिन विजय की ओर जा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में होने वाली ये बैठक इस प्रकार की योजनाओं को तैयार करेगी, इस प्रकार के विचार को तैयार करेगी जो आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होंगे, और जब उन विचारों की चर्चा होगी तो सब लोग ये कहेंगे कि ये जो सारी योजनाएं हैं ये तो महाराष्ट्र में तैयार हुई थी, ये तो ब्राह्मो मागी प्रबोधिनी ने इतने तैयार हुई थी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सभी पूज्य संतों का चरण स्पर्श करते हुए सभी का आशीर्वाद यहाँ पर लेता हूँ, और आपने इस बैठक में सम्मिलित होने का मौका मुझे दिया। मैं तो कल ही आना चाहता था लेकिन कल दो बहुत अच्छे कार्यक्रम हम लोगों ने रखे थे और डेढ़ दो महीने पहले हम लोगों ने उसका सृजन किया था, जिसमें हम सभी लोग जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सुपुत्र थे छत्रपति संभाजी महाराज, जिनको धर्मवीर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपना धर्म बदलने से मना किया तो औरंगजेब ने उनकी आंखें निकाली, जीभ काटी, उनके टुकड़े टुकड़े किए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, तो उनकी जो बलिदान स्थली है और जहां उनकी समाधि है, ऐसे दोनों जगह पर हम लोगों ने बहुत भव्य इस प्रकार का की स्थली निर्माण करने का एक निर्णय लिया। कल उसका भूमि पूजन था और उसके बाद दूसरा भूमि पूजन क्रांतिवीर लहूजी वस्ताद साळवे, लहूजी वस्ताद इनको आद्य क्रांति गुरु कहा जाता है क्योंकि लहूजी वस्ताद साळवे एक ऐसा व्यक्तिमत्व था जिनके पिताजी ये अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते मरे, उनके दादाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के काल से उनका पूरा परिवार ये हमारे हिंदवी स्वराज्य के निर्माण में लगा रहा, और लहूजी वस्ताद साळवे इन्होंने महाराष्ट्र में पहली तालीम शुरू की, जिस तालीम में उन्होंने ये निर्णय किया कि अंग्रेजों से अगर लड़ना है तो हमें शस्त्र फिर एक बार उठाने होंगे और हमारे युवाओं को शस्त्र सिखाने होंगे, और जिस समय यह तालीम शुरू हुई तो जिन्हें हम आद्य क्रांतिकारक कहते हैं वासुदेव बळवंत फड़के, वासुदेव बळवंत फड़के जी ने भी वहीं से तालीम की, हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने भी वहीं से तालीम की, और महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने भी वहीं से तालीम की, तो इन तीनों के एक प्रकार से गुरु के रूप में लहूजी वस्ताद साळवे को माना जाता है, तो उनके भी समाधि का कल एक प्रकार से जीर्णोद्धार और वहां पर एक भव्य इस प्रकार का स्मारक तैयार करने का कार्यक्रम था, इसलिए कल हम लोग यहाँ नहीं आ पाए, इसलिए मैं आपकी क्षमा भी मांगता हूँ, लेकिन आज यहाँ पर आकर आप सभी का आशीर्वाद पाने का मौका मिला, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार मानते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद।